ओम शांति। भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ मैं रूहानी डायमंड हूं। मैं रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर वन हूं। मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, प्योर हूं। प्योरिटी ही मेरी पर्सनालिटी है। मेरे चेहरे पर और चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। देखे अपने रूहानी पर्सनैलिटी को, मेरे जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक किसी की भी नहीं। अनुभव करे अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा। सारे कल्प में चक्कर लगाए तो भी मेरे जैसी पर्सनैलिटी किसी की भी नहीं। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाए। स्मृति के पंख लगाकर पहुंच जाए अनादि काल में। अनादि काल में परम धाम में मुझ विशेष आत्मा की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। देखे परम धाम में चमकती हुई आत्माओं को। सब आत्माएं चमकती हुई ज्योति है, लेकिन मुझ आत्मा की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। परम धाम में
देखे अपने आप को बाप दादा के साथ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और मैं रूहानी सितारा। वाह, क्या रूहानी पर्सनैलिटी है। अनादि काल से अब आदि काल में आ जाए, आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को देखे, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी। सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। देखे अपनी आदिकाल की पर्सनैलिटी, आदिकाल सतयुग में मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। कितना सजा हुआ हूं। मैं कितना सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हूं। अपनी आदिकाल की पर्सनैलिटी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। आदिकाल में भी अपने आप को देख लिया, अभी आ जाए मध्यकाल में, देखे मध्यकाल की अपनी पर्सनैलिटी, अपने जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताए पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन अपने जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं। हमारे जैसी विधिपूर्वक पूजा तो कोई महात्मा या नेता की या धर्मात्मा की भी नहीं होती। अपने जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसका भी नहीं होता।
तो मध्य काल में भी हम आत्माओं की प्योरिटी की पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। देखे मंदिरों में स्थापित अपना चित्र, अपने चित्र की कितनी भावना पूर्वक पूजा हो रही है। तो मध्यकाल में भी अपना स्वरूप अति श्रेष्ठ है और अब लास्ट जन्म में तो मर्जी व ब्राह्मण जन्म है, तो अपने ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी को देखें। अपनी ये पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, कितना गायन है इसका। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। अपने नाम से अपनी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में अपनी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। तो अपनी इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी को सदा ही इमेज रूप में स्मृति में रखकर स्मृति स्वरूप बन जाए। शांति।